श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से सीआरपीएफ की महिला विंग की अलग अलग टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त कर रही हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर से शुरू हुई बाइक रैली सोनीपत पहुंची, जहां पर बाइक रैली का सोनीपत में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये बाइक रैली 3 अक्टूबर को लाल चौक श्रीनगर से शुरू हुई थी और गुजरात जाकर एकता नगर में खत्म होगी। हम ये बाइक टीम नारी सशक्तिकरण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष में ये बाइक रैली रख रहे हैं। कहाँ से जी ये 3 अक्टूबर लाल चौक श्रीनगर से आई है और ये गुजरात जाके एकता नगर में ख़त्म होने वाली है। क्या मैसेज है? ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किया गया है, जो कि हमारी पिछड़ी हुई नारियाँ है उनके लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब हमारे देश के लिए आगे बढ़े और जागरूक होए। इसलिए ये आपकी सरकार भी नारी सशक्ति के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, चुनाव में भी 33% महिला आरक्षण लागू करके उसको किस तरह देखें? जी, सभी क्षेत्र में नारियों को हम बताना चाहेंगे कि वो अपना जो भी है वो अपना आगे बढ़े और बेटी बचाओ। श्रीनगर से आप चले, अब वहाँ के हालात कैसे, वहाँ की महिलाओं से बातचीत हुई हो, क्या कहना? जी, हम जब श्रीनगर से आ रहे थे तो हमने देखा वहाँ की पब्लिक हमें बहुत सपोर्ट कर रही थी, स्कूल के बच्चे वो भी हमें बहुत सपोर्ट किए, उत्साह बढ़ाए हमारा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद से हरियाणा में लिंगानुपात में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब की स्त्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।